हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में। तीन तरह से आप स्टेम मॉडिफिकेशन देख सकते हैं। सब एरियल, दूसरा होता है अंडरग्राउंड, थर्ड वन होता है एरियल। ठीक है, सब एरियल यानी कि स्टेम का जो मॉडिफिकेशन पार्ट है वो आपके कुछ पार्ट आपको बायो में देखेगा, कुछ पार्ट अंडरग्राउंड देखेगा। अंडरग्राउंड यानी कि टोटली पार्ट अंडरग्राउंड में देखने को मिलेगा। थर्ड वन एरियल यानी कि टोटली पार्ट आपको एयर में देखने को मिलेगा। तो एग्जाम वाइज सब एरियल मोस्टली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, अगले वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी मैं आपसे स्टेम के बारे में बात करता हूँ तो दो पोर्शन आपको याद रखने हैं। जब भी आप जॉइंट लाइक स्ट्रक्चर देखें तो उसे बोलते हैं नोड, और दो नोडों के बीच में जो कनेक्टर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं इंटर नोड, से पर्व संधि से पर्व। ठीक है, तो इंटर नोड वाले पार्ट से आपके सूट का क्रिएशन होगा अपर साइड में, लोअर साइड में आपके रूट का क्रिएशन होगा। तो ये बेसिक सी थिंग्स क्लियर है ना, आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला हमारा स्टेम मॉडिफिकेशन है जिसे आप बोलते हो ऑफसेट, वो इस तरह का। तो इसमें क्या होता है आपके, इसमें स्टेम कैसा होता है, स्मॉल होता है, दूसरा होता है फ्रेसाइल। ठीक है, छोटा होता है फ्रेसाइल यानी कि थोड़ा सा आप हाथ से प्रेशराइज करो कितने में टूट सकता है। एक्वेटिक प्लांट में देखने को मिल सकता है, रूट पॉकेट एक्वेटिक प्लांट में ही दिखाई देती हैं। और इसमें पिटियोल कैसा होता है, स्वेलन होता है। पिटियोल यानी कि जो आपके पर्ण फलक को आपके प्लांट से जोड़ता है, तने से जोड़ता है, उसे पर्ण व्रंथ बोलते हैं। उसे कैसा होता है, फूला होता है। इसमें पर्व यानी कि जो लेमिना है वो भी आपको फूला हुआ और मांसल नुमा दिखाई देगा। ये आपके पिस्टिया और आईकॉर्न यानी कि जलकुंभी में देखने को मिलता है। तो ये बेसिक सारे रिकॉग्नाइजेशन है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम सकर। सकर में क्या होता है, एग्जाम्पल क्राइसैंथेमम, गुलदाउदी और मिंट पुदीने में देखने को मिलता है। इसमें मुख्य तना जमीन के अंदर रहता है और उस तने के पार्ट से आपका ब्रांचेस क्रिएट होती हैं। ब्रांचेस जैसे ही आपकी भूमि को टच करती हैं वहाँ से सूट का क्रिएशन हो जाता है। तो ये आपके पुदीने में देखने को मिलता है और गुलदाउदी में देखने को मिलता है। अब बात करें स्टोलन। स्टोलन में क्या होता है, इसमें मुख्य तना जमीन के बाहर रहता है और इसकी जो ब्रांचेज हैं नोड से क्रिएट होती हैं और एक चाप नुमा स्ट्रक्चर यानी कि छोटी सी त्रचलाक स्ट्रक्चर ग्रोथ करती हैं। जैसे ही ग्राउंड को टच करती हैं उस वाले पोर्शन से एक नया सूट का क्रिएशन हो जाता है। तो ये मिलता है आपके जासमीन और पेपर मिंट में। ठीक है, अब बात करें सकर की। ये ऑक्सेलिस का तना है, ये ग्राउंड पे लेटी हुई अवस्था में ग्रोथ करता है बिल्कुल सीधा, और जैसे ही टच करता है इसका नोड वाला पार्ट वहाँ से नीचे तो रूट का क्रिएशन हो जाता है, ऊपर आपके सूट का क्रिएशन हो जाता है। ये ऑक्सेलिस का तना है। साइनोटोन यानी कि दूब घास में इसी तरह की ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है, तो गाइस हमने बेसिक से ये थिंग्स देखी, रनर धूप घास में देखी जिसमें मुख्य तना जमीन के समांतर में ग्रोथ करता है और नोड वाले पार्ट से सूट का क्रिएशन होता है। स्टोलन जासमीन और आपके पेपर मिंट में देखने को मिलता है, इसमें मुख्य तना जमीन के ऊपर रहता है और ब्रांचेस चाप नुमा स्ट्रक्चर में ग्रोथ करती हैं। जैसे ग्राउंड को टच करती हैं वहाँ से सूट का क्रिएशन होता है। सकर जिसमें हमने देखा मुख्य तना जमीन के अंदर रहता है और नोड वाले पार्ट से तने से ब्रांचेस का क्रिएशन होता है, वो जमीन को तोड़ते हुए होता है और जैसे ही भूमि को टच करती है वहाँ से सूट का क्रिएशन हो जाता है। ये आपके देखने को मिलता है पुदीने में और गुलदाउदी में। ऑफसेट भूस्तर का जो कि जलीय पादपों में दिखाई देता है, इसमें तना छोटा और भंजनशील होता है और पिटियोल वो स्वलन होता है, पर भी यहाँ पर फूले हुए मांसल होते हैं जो कि जलकुंभी और आईकॉर्निया में देखने को मिलता है। आगने वाली वीडियो में हम बात करेंगे एरियल मॉडिफिकेशन और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सो थैंक्स।